ये सरकार ने कहा है कि 16 साल से कम के उम्र के बच्चों को कोचिंग जाना मना है। अब 16 साल के कम उम्र के बच्चे को आप नोटिस कीजिएगा, उनको जो एग्ज़ाम देना होता है, NTSC का एग्ज़ाम देना होता है, ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना होता है, JEE का एग्ज़ाम देना होता है, NDA का एग्ज़ाम देना होता है, तो क्या ये सारी पढ़ाई की व्यवस्था क्या स्कूल में उपलब्ध है? टीचर जो है वो सारी पढ़ाई को, सारी सुविधा बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं जो हम लोग कोचिंग वाले करा पाते हैं। क्या होगी, संशोधन कर दिया जाए कानून में थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है, इसे बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकले। अब सरकार साफ कह रही है कोचिंग चलाना ही नहीं है। जब कोचिंग नहीं चलाना है, जो टीचिंग जगत से लोग जुड़े हुए हैं टीचर लोग, पहले वो क्या करेंगे, लोग को बिठाएं, खुद भी बैठे, उसके बाद डिसीजन निकाले कि सही क्या है क्या गलत है। पूरा 10th 5 से लेकर 10th तक कोचिंग से ही कंप्लीट किया है। अब तो कहा जा रहा है कि कोचिंग आना मना है, तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि कॉलेज जाते हैं, क्लासेस में पढ़ाई होती नहीं है, क्लासेस में जाके बैठ जाते हैं, टीचर ऑन द टाइम आते नहीं। मैं 1 क्लास से कोचिंग कर रही हूँ। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करते तो क्या लगता आप पढ़ पाते हैं, आपका तैयारी पूरी होती, पूरा कोर्स कम्प्लीट हो पाता? नहीं, वो तो नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन उस लेवल की भी नहीं होती है। नहीं, सही नहीं जाएगा। आइए कुछ और बच्चियाँ, उनसे बात करते हैं। एक कानून नया आया, तुम्हें पता ही होगा, तो क्या कहती है उस कानून पे? मुझे नहीं लगता कि ये सही है, जैसे सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, हम भी जा रहे हैं 11th में, हम जो एग्ज़ाम भी होता है तो वो भी अच्छे से नहीं होता है। कोचिंग क्लास किए बिना नहीं हो सकता है, अगर कोचिंग नहीं रहेगा तो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो गरीब घर से होते हैं, वो सब अगर ट्यूशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा फी लेगा, जो उसके माता पिता जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोचिंग में होता है कि कम पैसे में ही पढ़ाई होती है, तो ये कोचिंग होना ज़रूरी का स्तर है वो बहुत ख़राब है। तो मैं सोचा कि अगर जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी तरफ से अगर कुछ बच्चों के लिए बेहतर कर पाऊँ, अपने आसपास के बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को लिया। कि रोज़गार का तो इशू होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरह से कह सकते हैं व्यवस्था है इसकी, कोचिंग की। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का भविष्य है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बिजनेस तो और भी तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया तो एक पूरा का पूरा जनरेशन। स्वागत है शौर्य भारत पर, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। सरकार के एक फैसले के बाद तमाम बच्चों के भविष्य पे उलझन पैदा हो गई है, असमंजस की स्थितियां आ गई है। जाहिर सी बात है, 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग जाने पे पाबंदी लगा दी गई है। सरकार में आप पहुंचे एक कोचिंग संस्थान में जो कि कई बरसों से बच्चों के भविष्य को निखारने का काम करती है, लेकिन अब इस कानून के बाद असमंजस की स्थिति है कोचिंग संचालकों में। आधारशिला अकेडमी में भी हम खड़े हैं, कई बच्चे यहां पढ़ते हैं। आइए हम बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं इस कानून के बात क्या सोचती है उसके भविष्य, उनके गार्जियन पेरेंट्स काफी असमंजस में हैं, यहां तक कोचिंग संचालक भी असमंजस में हैं कि अब क्या होगा और कैसे बच्चे का भविष्य निखारा जाएगा। कुछ बच्चे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, ये वो बच्चे हैं जो बनकर कहीं IAS बनेंगे, कोई IPS बनेंगे और कोई डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अभी स्थिति असमंजस की है। जाहिर सी बात है, जब से सरकार ने यह फैसला किया है कि 16 साल के कम बच्चों को कोचिंग जाने में पाबंदी है, गाइडलाइंस है वो भी अपने जगह पे सही है, चूंकि सरकार का कहना है कि कई कोचिंग संस्थान दावा करते हैं अच्छे नंबर दिलाने का, कई कोचिंग संस्थान में सुविधाएं नहीं होती है, कई कोचिंग संस्थानों में अव्यवस्थित होती है, ऐसे में यह कानून लाना बहुत जरूरी था, लेकिन संस्थान के संचालक क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। एक नया कानून लाया गया है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्या कहेंगे सर इस पर? की आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों कहीं ना कहीं स्कूल में वो पढ़ाई की वो व्यवस्था नहीं थी जिसकी बच्चों की आवश्यकता थी। अभी ये सरकार ने कहा है कि 16 साल से कम के उम्र के बच्चों को कोचिंग जाना मना है। अब 16 साल के कम उम्र के बच्चे को आप नोटिस कीजिएगा, उनको जो एग्ज़ाम देना होता है, NTSC का एग्ज़ाम देना होता है, ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना होता है, JEE का एग्ज़ाम देना होता है, NDA का एग्ज़ाम देना होता है, तो क्या ये सारी पढ़ाई की व्यवस्था क्या स्कूल में उपलब्ध है? अगर स्कूल में उपलब्ध है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, में वैसी व्यवस्था होती नहीं है। ठीक है, टीचर जो है वो सारी पढ़ाई को, सारी सुविधा बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं जो हम लोग कोचिंग वाले करा पाते हैं। दूसरी बात कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं,
बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कोई पढ़ने बहुत होशियार होते हैं, कुछ थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। अगर बाय द वे हम लोग प्रोवाइड ना करें तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट तो चाहिए चाहिए उसको। तो सरकार का कहना है कि जो ट्यूशन कोचिंग संचालक जो होते हैं वो दावा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएंगे, परसेंटेज नंबर आएगा, वादा बड़े बड़े करते हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तो ऐसे में बच्चा कहीं सुसाइड भी कहीं हो चुका है, सरकार का ये कहना है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चा अगर मेंटली डिप्रेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन की जो आकांक्षाएँ हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं मेरा बच्चा IIT निकाले, JEE मेंस निकाले, NDA निकाले, वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। बच्चे गार्जियन जो है वो बच्चे से बहुत ज़्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं, प्रेशराइज करते हैं, आपको ये करना है करना है करना है करके, तो बच्चा सोचता है मेरे माता पिता के इतने पैसे भी खर्च हो चुके हैं और हम उस एवल के हैं भी नहीं, कर भी नहीं पा रहे, इसके कारण वो कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठा लेते हैं। मांग क्या होगी, संशोधन कर दिया जाए कानून में थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है, इसे बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकले। अब सरकार साफ कह रही है कोचिंग चलाना ही नहीं है, जब कोचिंग नहीं चलाना है तो टीचिंग जगत से लोग जुड़े हुए हैं टीचर लोग, पहले वो क्या करेंगे, लोग को बिठाएं, खुद भी बैठे, उसके बाद डिसीजन निकाले कि सही क्या है क्या नहीं करके। तो एसोसिएशन से भी आप जुड़े हुए हैं, तो एसोसिएशन का क्या कुछ रहेगा अगला कदम? नहीं, हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, देखिए जैसे कि बिहार में भी KK पाठक सर ने जो नियम लाया था तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी तो मामला स्टे पर चला गया था, तो इस पर भी कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं, आगे की कार्रवाई की जाएगी, करते हैं। तो ये थे सत्यप्रकाश जी जो कि बता रहे थे कि बच्चों के भविष्य में और शिक्षकों को भी दिक्कत होगा जो इस लाइन से, इस पेशे से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। 11th जो सरकार का एक कानून आया, पता होगा? हाँ। तो कोचिंग कितने साल से कर रही हैं? अभी तो 11th 12th से कोचिंग किए हैं, उसके पहले भी कोचिंग से ही पढ़ते हैं, पूरा 10th 5 से लेकर 10th तक कोचिंग से ही कंप्लीट किया है। अब तो कहा जा रहा है कि कोचिंग आना मना है, तो फिर कैसे? तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि कॉलेज जाते हैं, क्लासेस में पढ़ाई होती नहीं है, क्लासेस में जाके बैठ जाते हैं, टीचर ऑन द टाइम आते नहीं हैं, तो उसमें टाइम बर्बाद होता है। फिर कोचिंग के टीचर्स कहते हैं कि कोचिंग आया करो, पर कॉलेज वाला छुट्टी नहीं देता 3:30 से पहले। स्कूल आवर में भी प्रॉब्लम हुआ करता था तब कोचिंग ज्वाइन की? यस सर, क्योंकि स्कूल में भी उस तरह का माहौल बन पाते सर, डिस्टर्बेंस तो होता ही होगा क्योंकि स्कूल में कम से कम 50 से 55 बच्चे एक क्लास में, टीचर्स को ध्यान देना पड़ता है, उसमें भी कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस तो होता ही है। किस क्लास में पढ़ रही हैं? 11th 11th में। कब से कोचिंग क्लासेस कर रही हैं? ऑन फोर्थ क्लास से कोचिंग क्लासेस कर रही हैं। स्कूल में वैसा माहौल मिल पाता है इसलिए कोचिंग कर रही हैं? स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। नो, सरकारी स्कूल में तो और नहीं होते हैं ना। क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास। कब से कोचिंग ज्वाइन किए हैं? जी मैं 8th क्लास से कोचिंग कर रहा हूँ। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करते तो क्या लगता आप पढ़ पाते हैं, आपका तैयारी पूरी होती, पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाता? नहीं, वो तो नहीं हो पाता क्योंकि मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन उस लेवल की भी नहीं होती है। आपका फैसला को कैसे देख रहे हैं? नहीं, सही नहीं है, जो बच्चा मतलब पढ़ने चाहते हैं वो सबके लिए सही नहीं है। ये गलत है क्योंकि स्कूल में तो उतना पढ़ाई होता नहीं है और डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होता है, दोस्त लोग के साथ रहते उतना कोई पढ़ नहीं पाता। स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से हो रही है? स्कूल में अगर पढ़ाई पूरी तरह से कर दिया जाए तो कोचिंग आने का कोई आवश्यकता नहीं है। कब से कोचिंग कर रहे हैं? ये 9th क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं। और भी कुछ बच्चे हैं जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे हैं कि अगर और पूरी तरह से लागू कर दी जाती तो कितना प्रभाव पड़ेगा उसके पढ़ाई पर, कैसे सिलेबस को पूरा किया जाएगा। आइए कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। एक कानून नया आया है, तुम्हें पता ही होगा, तो क्या कहती है उस कानून पे? मुझे नहीं लगता कि ये सही है, जैसे सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। सरकार का दावा है कि पढ़ाई हो रहा है वहाँ? नहीं, हम भी जा रहे हैं 11th में, हम जो एग्ज़ाम भी होता है तो वो भी अच्छे से नहीं होता है, कोचिंग क्लास किए बिना नहीं हो सकता है। अगर कोचिंग नहीं रहेगा तो बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत गरीब घर से होते हैं, वो सब अगर ट्यूशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ी लेगा जो उसके माता पिता जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कोचिंग में होता है कि कुछ कम पैसे में ही पढ़ाई होती है, तो ये कोचिंग होना ज़रूरी है।
कोचिंग होना जरूरी है, जो कि बच्चों ने बताया। जाहिर सी बात है, यहाँ से एक बात निकल के सामने जरूर आई है कि कुछ जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उन्हें ट्यूशन देना उसके लिए असमर्थ है, वो नहीं समर्थ हो सकते उनके गार्जियन, और कोचिंग में सामूहिक पढ़ाई होती है जहाँ कई बच्चे रहते हैं और काफ़ी कम फी में यहाँ पढ़ाई किया जाता है। हम अभी आधारशिला अकेडमी में पहुँचे हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं देश का भविष्य और क्या सोचते हैं यहाँ के संचालक। सर, एक नया कानून आया है जैसा कि पता ही है, इस कानून के तहत कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पहले सरकार जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके सरकारी स्कूल और बेसिक जो स्कूल्स खुले हुए हैं उनमें शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं, पहले उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल में बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छे से अगर हो रहा है तो कोई बच्चा क्यों कोचिंग में जाएगा? संस्थान से जुड़ा हूँ तो मैं इस भावना से जुड़ा क्योंकि मैं अपने समय से ये परेशानी देख रहा था कि उस समय से ही स्कूल और स्कूलिंग लेवल पे जो एजुकेशन का स्तर है वो बहुत ख़राब है। तो मैं सोचा कि अगर जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी तरफ से अगर कुछ बच्चों के लिए बेहतर कर पाऊँ, अपने आसपास के बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को लिया। कि रोज़गार का तो इशू होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह से कह सकते हैं, व्यवस्था है इसकी कोचिंग की, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का भविष्य है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बिजनेस तो और भी तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया तो एक पूरा का पूरा जनरेशन ख़राब हो जाएगा आपका। डेफिनेटली सिलेबस ख़त्म करना, बच्चे को अपने नेचुरल ग्रोथ से नेचुरल वे में पढ़ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में डाल देना कि हाँ भाई ये यही है लाइफ, इसके अलावा लाइफ है ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। आई थिंक सुसाइड रेट बढ़ने की वजह इस तरह की चीज़ें दिमाग में डालना है, तो बच्चे पर इस तरह की चीज़ें थोपी ना जाए। गार्जियन से भी उम्मीद है कि वो अपने बच्चे को मेंटली मोरली सपोर्ट करें कि सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, काफ़ी लोग पढ़ाई के बाद और भी बहुत सारे फील्ड में राइज करते हैं, इस तरह का अतिरिक्त दबाव बच्चे पर न बनाया जाए। सरकार का सीधा कहना है कि ये कानून लाने के पीछे का मकसद जो सरकार का है कि बच्चों को सुसाइड रोकना हो, बच्चों पर भ्रांति तरह के जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं कि हम 100% आपको जॉब प्लेसमेंट देंगे, आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको पढ़ाई में नंबर 1 रैंक लाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को रोकने का प्रयास सरकार कर रही है, इसलिए ये कानून बनाया। तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कानून तो अच्छी बात है कि ये प्रयास दी जा रही है उन लोगों को कि आप हम अच्छे भ्रामक प्रचार ना करें जिससे बच्चे मिसगाइड होते हैं। हर कोचिंग को चाहिए कि आप अपना परसेंटेज बताइए कि सिलेक्शन ना रिजेक्शन भी बताइए कि टोटल आपने कितना परसेंटेज दिया है। जैसे बड़े बड़े कोचिंग में 1-1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, बट वहाँ सिलेक्शन 50-100 मुश्किल से होते हैं, ठीक है, तो 0.001% बहुत कम है, जो कि बताना चाहिए बच्चों को ताकि बच्चे अच्छे से गाइड डिसाइड कर सके उनको कहाँ जाना चाहिए, कौन सा उनका बेटर फील्ड है। और मान लो कोई एक छोटा कोचिंग है या किसी सिटी का कोचिंग है, वो 100 बच्चों में 10 रिजल्ट दे रहा है, तो उसका तो परसेंटेज ज़्यादा हो गया ना। या अगर 5 रिजल्ट भी दे रहा है तो उसकी रिजल्ट 5% आ रही है, तो बच्चों को एक डिसाइड करने के लिए मौका मिलेगा। और बाकी ये ठीक है, अतिरिक्त दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों का बेसिक जो फाउंडेशन है वो इसी एज में होता है। जैसे टीनेज कहा जाता है, साइकोलॉजिकल भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और लर्निंग एज यही होती है। अगर इस समय सिर्फ बच्चे स्कूल पे डिपेंडेंट रहेंगे और स्कूल के एजुकेशन की व्यवस्था तो क्या देखी जा रही है यहाँ पे, तो पहले उसको मॉडिफाई कीजिए और उसको उस लेवल। तो अभी हम खड़े थे आधारशिला एकेडमी में, जहाँ से निकलकर बातें सामने आई, यहाँ के संचालकों ने भी बाकी सामने बातों को रखा और साफ बताया कि उम्मीदें करें बच्चों से पर, लेकिन अप्रत्याशी उम्मीदें ना करें ताकि बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव पड़ सके, बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर हो सके, ताकि बच्चे फ्रीडम होकर अपने पढ़ाई को पढ़ सके और अपने कार्य पर आगे बढ़ सके। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।